300 ग्राम पोटैटो मीट को अच्छे से वॉश करके पानी ड्रेन कर लीजिए। अब एक बर्तन में 3 टेबल स्पून देसी घी ऐड करना है। उसको गर्म करने के बाद जो पीसीस हैं मीट के उसमें अच्छे से फ्राई कर लीजिए 10 मिनट के लिए। जब वह सब साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए, उसकी रॉ स्मेल निकल जाए, तब उसमें खड़ा गरम मसाला और जो हमने पीसा गरम मसाला निकाला है उसको ऐड करके फ्राई कर लें। और जब अच्छे से भुन जाए और ऊपर आने तक, तब उसमें अनियन पेस्ट ऐड करें। अनियन पेस्ट ऐड करने के बाद फिर से उसको भून लीजिए और फिर उसमें जो ड्राई फ्रूट का पेस्ट है वो वाला पेस्ट ऐड करके उसको अच्छे से फ्राई करिए। ऑयल ऊपर आने के बाद उसमें दही ऐड करिए और उसको अच्छे से पका लीजिए। अब उसके अंदर जो चिकन के पीसीज हैं वो डाल के उस मसाले की कोटिंग उन पीसीज के ऊपर अच्छे से करें और उनको मिक्स करते रहें, धीरे धीरे उनको चलाते रहें। अब पानी आप अपने अकॉर्डिंग उसमें ऐड कर लीजिए। मैंने यहाँ सिर्फ 1 कप पानी ऐड किया है, बड़ा कप या समझ लीजिए आप आधा ग्लास पानी ऐड किया है। आधा ग्लास पानी उसमें ऐड करिए, फिर 5 मिनट के लिए उसको पकने दीजिए ढक्कन लगकर। अब जब वो पक जाए उसके अंदर जायफल और जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड करके वापस बंद कर दीजिए और 5 मिनट बाद सर्व करें। गरम गरम रोटी से खाएं या फिर राइस के साथ खाएं। ये सर्दियों की काफ़ी अच्छी ग़िज़ा है, इसको ट्राई करें, काफ़ी इजी तरीका है, बहुत टेस्टी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।